नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में आपका स्वागत है। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया की सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट वन में उसमें मैंने द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था, नेशनलिज्म इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, फिर गांधी जी का सत्याग्रह, उसके आइडियल्स क्या क्या थे, अहिंसा और सत्याग्रह, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इन सब के बारे में फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में समझाया। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जो सेकंड पार्ट है उसको समझने में लिटिल बिट डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में भी लिंक अटैच है, तो वहां से आप देख सकते हैं, फिर सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर लीजिए। तो चैप्टर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने और समझने मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सब के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब इस पार्ट में हम लोग समझेंगे टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में डाउट आएगा कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है। मोर और लेस तो सेम ही थिंग है दोनों में ही। हम लोग क्या कह रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मतलब इसका हिंदी अनुवाद होता है असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ में सहयोग नहीं दे रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कोऑपरेट, बेसिकली हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। सिविल डिसोबीडियंस में क्या हो रहा है, हम लोग कोऑपरेट तो कर ही नहीं रहे, साथ ही साथ में जो ब्रिटिश लॉज है उसको हम लोग वायलेट कर रहे हैं, उसको हम लोग तोड़ रहे हैं। जैसे हम लोग सॉल्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग लॉ को, जो कॉलोनियल लॉ है उसको हम लोग वायलेट कर रहे हैं इन अ पीसफुल मैनर इन टर्म्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी हमेशा पीसफुल वे में जाते थे, लेकिन विद इन कांग्रेस हम लोग ने पढ़ा है कि देयर वाज डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस मेंबर। कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ लोग मॉडरेट थे। तो जो नए नए यंग लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे थोड़े एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल सोच वाले थे, तो वो लोग जल्द से जल्द इंडिपेंडेंस चाहते थे और उसके लिए वो वायलेंस का रास्ता भी अपना लेते हैं। तो ऑब्वियसली नेताजी के बारे में आपने बहुत पढ़ा ही होगा। लेकिन गांधी जी का मत क्या था कि हम लोग सत्याग्रह के थ्रू नॉन वायलेंस के मेथड में जाकर हम लोग इंडिपेंडेंस गेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन का मेजर डिफरेंस। अब डिटेल में समझ लेते हैं। इन फेब्रुवरी 1922 गांधी जी कॉल्ड एन एंड टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, और ये जनवरी 1921 को स्टार्ट हो गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, जनवरी 1921 को ये स्टार्ट हो गई थी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके सारे जो पॉइंट्स थे वो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर किए। और गांधी जी को ऐसा लगा दैट गांधी जी बिलीव दैट पीपल नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर पीसफुल मास स्ट्रगल्स, क्योंकि बहुत जगह जहां पर ब्रिटिशर्स क्रुएल्टी कर रहे थे, रिप्रेस कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, इंडियंस भी अटैक कर रहे थे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, अदर जो रेलवे स्ट्रक्चर्स थे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सब पे अटैक कर रहे थे इंडियंस। तो इंडियन का जो मेथड था वो पीसफुल नहीं था, तो इसीलिए क्या हुआ, गांधी जी ने वापस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया 1922 में, विद इन एक साल में ही हो गया। मीनवाइल एन इंटरनल डिस्कशन विद इन द कांग्रेस पार्टी इरप्टेड, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनके विचार अलग-अलग थे। तो सम मेंबर्स वर हेजिटेंट टू अनाउंस द अप्रोचिंग इलेक्शंस। तो प्रोविंशियल इलेक्शन, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन आ रहा था वो नजदीक में था, तो कुछ जो कांग्रेस लीडर थे वो चाहते थे कि हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग इलेक्ट हो सके, और जो ब्रिटिश जो भी लॉज ला रहा है हम उसको विद इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ही सॉल्व कर सके, ठीक है, उसको रोक सके। तो ऐसा कुछ कांग्रेस मेंबर्स का मानना था, लेकिन कुछ
मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस का ये मानना नहीं था, तो वो अपोज कर रहे थे इलेक्शन को। दिस इंटरनल डिबेट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस लेड बाय द सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो देन स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो कौन फॉर्म करता है? तो लेड बाय सी आर दास, जिनको हम लोग कहते हैं चितरंजन दास, इनको हम लोग देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। सी आर दास को हम लोग जानते हैं, सी आर दास को हम लोग जानते हैं देश बंधु के नाम से, देश बंधु, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे वो। तो इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन वैसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर द यंगर मेंबर्स, जो बहुत यंग मेंबर्स थे उस समय 30 के आसपास जो थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिजायर टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो ये सब चाहते थे, जो यंग लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमें टोटल इंडिपेंडेंस मिल जाए ब्रिटिश रूल से, जिसको कहा जाता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, स्वराज मतलब क्या होता है? स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, है ना, सेल्फ रूल। तो टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे। कौन चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और भी यंग लीडर्स थे। द इकोनॉमिक डिप्रेशन लीडिंग टू एग्रीकल्चरल प्राइसेस फ्रॉम 1926 एंड कंप्लीट कोलैप्स इन 1930। तो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था, रिसेशन टाइप का आया हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो इससे हर वर्ग के लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, चाहे वो यूरोपियंस थे या लैटिन अमेरिकन्स या साउथ एशिया, सब जगह में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। तो जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद पड़ गया था। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? जो फार्मर्स थे उनका जो प्रोडक्शन, जो क्रॉप्स वो प्रोड्यूस किए हैं, वो सेल ही नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं कर पाएंगे तो अंत में उनका लॉस हो जाएगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो फार्मर्स एंड पीजेंट जो थे वो बहुत ज्यादा लॉस में थे, इन कंप्लीट डिवास्टेशन, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत बुरी हालत थी, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था इंडिया में भी। तो अलोंग विद इट अ कमीशन अंडर सर जॉन साइमन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द टोरी गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। तो टोरी गवर्नमेंट, ये उस समय ब्रिटिश ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने एक कमीशन गठन किया, सर जॉन साइमन उसके हेड थे, ठीक है। और इस कमीशन को हम लोग साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस कमीशन का मेन मकसद क्या था? द साइमन कमीशन वॉज सेट अप टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया अगेंस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो आसान भाषा में समझाया जाए तो मतलब क्या होता है कि बेसिकली इंडिया के जो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, उन पे नजर रखने के लिए वो क्या करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और सबसे खास बात थी, साइमन कमीशन का विरोध सारे इंडियंस, उसमें मुस्लिम लीग भी इन्वॉल्व था, साथ ही साथ में जो हिंदू वाले, हिंदू महासभा थे, वो सब कोई इन्वॉल्व था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सब कोई साइमन कमीशन को बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। और एक स्लोगन बहुत फेमस हो गया था, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक इन 1928, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस साइमन कमीशन में सारे जो मेंबर्स थे इस कमिटी के, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन इसके पार्ट नहीं था, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंडियन पार्ट नहीं था, तो सब कोई कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब कोई निग्लेक्टेड फील कर रहा था, और उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब में, तो लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज होती है, जिसमें उनको इंजरी हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके खिलाफ में शहीद भगत सिंह वो बॉम्ब फेंक देते हैं असेंबली में, इनकी स्टोरी आपने पढ़ी होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साइमन कमीशन में ऐसा कुछ हुआ था, आपको जानना बहुत जरूरी है। लाला लाजपत राय वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है। फिर साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, वायलेंस हुआ, बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तोड़फोड़ हुई। तो इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वाइसरॉय
लॉर्ड इरविन, उस समय वायसराय कौन थे, तो इरविन थे, साइमन कमीशन के टाइम पे वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे इंडिया के। अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर, मतलब एक खोखली वादा दी गई थी ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस देने की वादा हुई थी लॉर्ड इरविन को, लॉर्ड इरविन ने दिया था टू महात्मा गांधी जी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस मतलब एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनने का। ठीक है, खुद से एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहेगा लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में ही रहेगा, फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक उनको इंडिपेंडेंस दी जाएगी, तो उसको कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। तो ये खोखली ऑफर था, बहुत लोगों को पता था, नेताजी को ये बिल्कुल बात क्लियर थी कि ये खोखली बात थी। एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी प्रस्ताव दिया गया था बाय द लॉर्ड इरविन कि लॉर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम लोग फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, इंडिया की किस तरह से इंडिया चलेगा, आगे का फ्यूचर सेटअप क्या होगा, वो सब डिस्कस होने वाला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, लेकिन इससे मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर जो थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, फिर इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस, लाहौर में उस समय वो अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था, पंजाब प्रोविंस में पड़ता था, तो लाहौर में कांग्रेस की मीटिंग होती थी, हर साल ही कांग्रेस की मीटिंग होती थी दिसंबर के महीने में, तो वो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे प्रेसिडेंट। तो उस लाहौर सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस का, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस से इंडियन खुश नहीं थे, उनको पता था कि एक कठपुतली सरकार बन जाएगी, तो इसलिए वो पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे फॉर द इंडिया। इसीलिए इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होगा। व्हेन पीपल वेयर टू टेक द प्लेज टू स्ट्रगल द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो पूर्ण स्वराज की जो बात थी जवाहरलाल नेहरू की, ये भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत लोग पीपल जो थे वो एसोसिएट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये बस एक सिंबॉलिक जेस्चर था भाई जवाहरलाल नेहरू की, हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाएंगे, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ था, प्रैक्टिकली कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये जो स्टेप था जवाहरलाल नेहरू का वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हम आ जाते हैं सॉल्ट मार्च पे। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। एवरीवन वर्शिप सॉल्ट एज अ डीटी, सॉल्ट तो सबके लिए बराबर ही था उस समय, उतने वैरायटीज ऑफ सॉल्ट अलग अलग नहीं थे उस समय में 1920s 1930s के टाइम पे, तो सॉल्ट गरीब के लिए भी सेम था, अमीर के लिए भी सेम था, और विदाउट खाने में अगर नमक ना हो या ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो खाना बेस्वाद लगता है ना, उसी तरह से सॉल्ट तो हर इंसान की नीड थी। तो गांधी जी, क्योंकि बहुत सारा स्टेप्स जवाहरलाल नेहरू ने या अलग 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 लीडर्स ने उठाए थे तो उससे कुछ हो नहीं रहा था, तो गांधी जी सॉल्ट को एज अ वेपन मानते हैं, क्योंकि गांधी जी यूज्ड द ब्रिटिशर्स मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन एंड सॉल्ट टैक्स टू स्प्रेड हिज स्वराज मैसेज। तो जो स्वराज का जो मैसेज है वो किस तरह से पूरे इंडियंस को फैलाया जा सके, उसके लिए गांधी जी ने क्या यूज किया वेपन, वो था नमक, सॉल्ट था, और उस पे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी। ठीक है, वो प्रोडक्शन करते थे, वही बेचते थे, सब कुछ वही करते थे, रिफाइनिंग वाइनिंग सब कुछ वही करते थे, और उस पे सॉल्ट टैक्स भी लगा हुआ था, जितना सॉल्ट का दाम नहीं होता था उससे ज्यादा वो टैक्स ले लेते थे, तो इससे क्या होता था, जो गरीब इंसान था वो, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, वो बिना नमक के ही खाना खाना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, तो ये सॉल्ट जो है उसको गांधी जी ने वेपन बनाया। फिर ऑन जनवरी 31 1930 महात्मा गांधी इशू 13 11 डिमांड्स इन लेटर टू वाइसरॉय इरविन। ठीक है, तो महात्मा गांधी 11 डिमांड्स प्रस्तुत करते हैं, वाइड रेंजिंग डिमांड्स होते हैं। ठीक है, उसमें तो कुछ कॉमन डिमांड्स थे कि टैक्स कम किया जाए, रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू को भी कम किया जाए, फिर बाकी अलग अलग जो स्टेटस ऑफ पीपल थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
पुअर पीजेंस थे, रिच पीजेंस थे, अलग अलग जो सोसाइटीज बटी हुई थी उनके डिमांड्स इन सब 11 डिमांड्स में इंक्लूडेड थे, और साथ ही साथ वन जो डिमांड था वो सॉल्ट टैक्स से भी रिलेटेड था। ठीक है, तो वाइड रेंजिंग डिमांड्स था ताकि मेजर सोसाइटी जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उसको इंक्लूड किया जा सके और जो अलग अलग पीपल है वो नेग्लेक्टेड फील ना करें। इसीलिए गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखे थे इन फ्रंट ऑफ वाइसरॉय इरविन। ही मेड सर्टेन दैट डिमांड्स वर ब्रॉड इनफ टू एनकंपास एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। वन ऑफ द डिमांड वाज टू अबॉलिश टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन जो सॉल्ट पे टैक्सेशन था वो भी उनकी डिमांड थी। गांधी जी स्टेटेड इन द लेटर, और गांधी जी क्या बोलते हैं कि अगर आपने ये 11 डिमांड फॉल मतलब नहीं माना, लॉर्ड वाइसरॉय इरविन को ये बोलते हैं, उनको अल्टीमेटम देता है, अगर आप ये बात नहीं मानेंगे तो हम लोग नया से एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वाइसरॉय इरविन थे वो उन्होंने बिल्कुल नहीं माना गांधी जी का 11 डिमांड्स। तब होता है शुरू द सॉल्ट मार्च या द फेमस दांडी मार्च। ठीक है, गांधी जी बिगैन द सॉल्ट मार्च फ्रॉम इट साबरमती आश्रम टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, क्योंकि जितना भी इंडिया का कोस्टल लेंथ कितना है, ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर्स, और उस समय तो जब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, बांग्लादेश भी पार्ट था, तो मोर देन 8000 किलोमीटर सॉल्ट प्रोडक्शन होता था, मतलब कोस्टल जोन था, और हर कोस्टल एरिया में सॉल्ट प्रोडक्शन ऑब्वियसली होगा ही क्योंकि सी के नजदीक होता है। और जो जितने भी इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल कंट्रीज थे वहां पर नमक की खेती बहुत ज्यादा होती है और यूरोपियन कंट्रीज में नहीं होती है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो ब्रिटिशर्स इसीलिए सॉल्ट पर मोनोपोली करते थे ताकि वो इजीली सॉल्ट की खेती कर सके और अपने अपने देश भेज सके, ट्रेड कर सके। ठीक है, तो इनको गांधी जी को ये बातें सब पता थी, तो इसीलिए वो स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से डांडी मार्च टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, ये गुजरात में पड़ता है। और इनके साथ में कौन थे, तो 78 इनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स भी इनके साथ चलते हैं। द डिस्टेंस जो साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन की जो डांडी की जो डिस्टेंस थी वो 240 माइल्स थी। अब 1 माइल्स में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर्स होता है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना डिस्टेंस था। और हर दिन पर डे 10 मील वो चलते थे, वो गांधी जी और 78 उनके जो वॉलेंटियर साथी जो थे वो चलते थे, और 24वें दिन को वो पहुंच जाते हैं डांडी गुजरात में। ड्यूरिंग गांधीज मार्च मेनी पीपल केम ओवर टू ज्वाइन देम, और जब वो रास्ते से जहां जहां से जिस भी गांव से पहुंच जा रहे थे, वो जो स्वराज का उनका मैसेज था वो 1-to-1 पास हो रहा था आसपास के विलेजेस से, तो और भी विलेजेस ऐड हो गए थे, और भी जो विलेजर्स थे या आसपास के लोग थे वो इन्फ्लुएंस्ड होने लग गए थे बाय द गांधी जी डांडी मार्च एंड एज वेल एज फ्रॉम द जो स्वराज की जो डिमांड थी, स्वराज का जो मीनिंग था। ठीक है, स्वराज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस पीसफुली। ठीक है, तो गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन अप्रैल 6, तो अप्रैल 6 को वो पहुंच जाता है डांडी, और वो सॉल्ट लॉ जो होता है वो उसको ब्रेक करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। ठीक है, वो खुद से वो सी वाटर को बॉयल करते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। तो ये था डांडी मार्च के बारे में, या सॉल्ट मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब आ जाते हैं। द सिविल डिसोबीडियंस बिगैन एट द कंक्लूजन ऑफ द सॉल्ट मार्च। ठीक है, आफ्टर सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च जब गांधी जी स्टार्ट करते हैं इन गुजरात में स्टार्ट होता है, तो उसको देखकर जितने भी इंडिया के कोस्टल सिटी जो उस समय शहर थे या टाउन्स थे, विलेजेस थे, वहां के लोग भी सॉल्ट लॉ अलग अलग जगह में ब्रेक करते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु में श्री सी राजा गोपालचारी, वहां पर भी वो सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। वेस्ट बंगाल में एक जगह था मिदनापुर वाला एरिया जहां पर मातंगिनी हाजरा भी सॉल्ट लॉ ब्रेक करती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सॉल्ट लॉ ब्रेक होते हैं आफ्टर डांडीज मार्च। तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत था, वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट था इंडिया पे, और बहुत ज्यादा हेल्प किया था ये। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च के बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अलोंग विद रिफ्यूजिंग टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, लोकल्स वेर आस्क्ड टू वायलेट द कॉलोनियल लॉ। तो ये डिफरेंस है
आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड प्रोटेस्टेड आउटसाइड द सॉल्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, ये तो मैं बता दिया। इन वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया पीपल डिफाइड द सॉल्ट लॉ, प्रोटेस्टेड आउटसाइड द सॉल्ट प्लांट्स, रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। तो जितने भी विलेजेस थे अलग अलग जगह से, पार्ट ऑफ इंडिया से, वो सब ये सब रेवेन्यू देना बंद कर दिए, चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, एंड रिजाइन फ्रॉम देयर पोजिशन। और वो जहां पे काम करते थे, अगर ब्रिटिश के लिए काम करते थे, तो वहां से काम से भी वो छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। पीपल पिकेटेड लिकर स्टोर्स, जो शराब की दुकानें थी उसके सामने वो धरना देते थे, उनको उन शराब को डिस्ट्रॉय कर देते थे, एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। ठीक है, एंड दे एंटर्ड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज इन फॉरेस्ट टू ऑब्टेन वुड्स एंड पास्चर एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो रहा था ट्राइबल्स एरिया में, फॉरेस्टेड एरिया में। तो वहां के जो ट्राइबल्स पीपल थे वो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर रहे थे, कॉलोनियल लॉ को ब्रेक कर रहे थे, साथ ही साथ में अपने कैटल्स को ग्रेज भी करवा रहे थे। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ द अपस्पायरिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिगैन टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर। ठीक है, तो जो ब्रिटिश थे उनको भी होश आया, और वो धीरे धीरे जितने भी कांग्रेस लीडर थे या जो भी लॉज को ब्रेक कर रहे थे उनको पकड़ के जेलों में डाल दे रहे थे। वन सच इंसिडेंट हो गया था, कहाँ हुआ था, तो पेशावर, जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, व्हेन अब्दुल गफर खान वाज अरेस्टेड। अब्दुल गफर खान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल है, इनका इंडिविजुअल है, इनका इनको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अब फ्रंटियर गांधी का मतलब क्या हो गया, फ्रंटियर मतलब एक एरिया था उस समय अनडिवाइडेड इंडिया का, जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़ा हुआ था, जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ के रहने वाले थे अब्दुल गफर खान, और ये गांधी जी को बहुत मानते थे, उनके जो आइडियल्स थे सत्याग्रह अहिंसा ये सब उनको बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। तो ये इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया है, और इंडियन गवर्नमेंट से आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस इनको भारत रत्न भी मिला। तो इकलौते पाकिस्तानी है जिन्हें भारत रत्न से अवार्ड किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये एडिशनल नॉलेज था। अब्दुल गफर खान उनको भी बहुत ज्यादा, वो प्रोमिनेंट लीडर थे फ्रंटियर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, पेशावर वाले रीजन में, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। देयर वर प्रोटेस्ट इन पेशावर अगेंस्ट पुलिस शूटिंग्स एंड मेनी पीपल वर किल्ड। और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट किया आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अब्दुल गफर खान, बट पुलिस ने कुछ माना नहीं, बहुत लोगों को वहां पर शूट करके किल कर दिया। साथ ही साथ में व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड, फिर देन महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, ट्रेन स्टेशन वर ऑल अटैक्ड। ऑब्वियसली अटैक होना ही था सब जगह। फिर से क्या हुआ, अटैक जो ये प्रोटेस्ट था वो फिर वायलेंट हो गया, नॉन वायलेंट से फिर वायलेंट हो गया, क्योंकि जब जब मेन जो लीडर्स थे उनको पकड़ ले रहे थे ब्रिटिशर्स, जेल में डाल दे रहे थे, तो इंडियंस जो थे वो वायलेंट हो जा रहे थे, पीसफुल अपना मैनर छोड़ दे रहे थे। जो गांधीवादी थे वो अपना पेशेंस खो दे रहे थे। बिकॉज इट वॉज अनेबल टू कंट्रोल द पीपल, द गवर्नमेंट टूक मोर एग्रेसिव मेजर्स। और जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज्यादा एग्रेसिव स्टेप्स ले लेते हैं, ठीक है, ब्रूटली मारते हैं, और ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस को वो जेलों में भर देते हैं। ठीक है, एज वायलेंस एस्केलेटेड महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द मूवमेंट बाय साइनिंग द इरविन पैक्ट। ठीक है, तो अगेन जैसे जैसे वायलेंट होने लगा स्ट्रगल, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो महात्मा गांधी पे प्रेशर आया बाय द ब्रिटिशर्स, फिर गांधी जी इरविन पैक्ट साइन करते हैं। किसके साथ होता है, तो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है। पैक्ट मतलब एक टाइप की ट्रीटी, अंडरस्टैंडिंग, ऑन मार्च 5, 1931। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, एज सच डेट एग्जाम्स में नहीं आते हैं, अब नहीं आते, पहले आते थे, लेकिन डेट आपको याद रखना भी जरूरी है, कौन से साल में हुआ एटलीस्ट वो तो याद रखना ही चाहिए। ठीक है, तो इरविन पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी एंड इरविन, और ये साइन कहाँ हुआ था, तो ये साइन हुआ था, बहुत फेमस है, ये भी एडिशनल नॉलेज है, ड्यू का जो कैंपस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, वहां पर ये साइन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी जी प्रोमिस्ड टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो जैसे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने कहा था,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में, तो सच्ची का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, एक्चुअली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें से फर्स्ट में कोई भी नहीं गया था बाय द कांग्रेस, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे लंदन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। और इंडिया से जो तीनों राउंड टेबल एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किए थे वो थे कौन? वो थे बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर जी वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों ही अटेंड किए थे, लेकिन उस समय वो उतने पॉपुलर लीडर नहीं थे जितने महात्मा गांधी जी थे। हाउएवर आफ्टर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस ही वाज डिससैटिस्फाइड विद द आउटकम्स ऑफ द नेगोशिएशन, और ऑब्वियसली जो डोमिनियन स्टेटस की बात हुई थी उससे गांधी जी और भी जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड बिल्कुल ही नहीं थे। तो व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कांग्रेस के लीगल। तो जब वो वापस आते हैं लंदन से आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उनको पता चलता है कि जो कांग्रेस है उसी को इलीगल घोषित कर दिया है, और जितने भी प्रोमिनेंट उस समय बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया है। एंड द मीटिंग्स एंड गैदरिंग्स वर प्रोहिबिटेड, तो जितने भी मीटिंग्स होते थे वो उसको सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया गया था। किसके थ्रू? तो वाया सेक्शन 144, जिसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, धारा 144। आज भी ये धारा लागू होता है, जहां पर हमें कर्फ्यू लगाना होता है तो हम लोग धारा 144 लगाते हैं। तो इसके थ्रू सब जगह में मीटिंग्स गैदरिंग सबको प्रोहिबिट कर दिया गया था। तो गांधी जी के पास ऑप्शन क्या था? फिर से वो दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1 साल तक सिविल डिसोबीडियंस चलता है, फिर 1934 में आके ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो दम तोड़ देता है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का खत्म हो जाता है। अब हम जानेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें अलग अलग जो स्टेटस या सोसाइटी के पीपल है वो किस तरह से मूवमेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रिच पीजेंट कम्युनिटी, जो जिनके पास वैसे फार्मर्स, वैसे पीजेंट जिनके पास पैसा बहुत है। फॉर एग्जाम्पल कौन थे वैसे? तो जो पटीदार्स थे, पटीदार्स ऑफ गुजरात, ठीक है, पटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी के जो जाट्स थे, ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा रिच पीजेंट्स हुआ करते थे। और ये क्यों होते थे? क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे और डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो इनके पास पैसा बहुत था, और ये वॉरियर क्लास से भी बिलोंग करते थे एक तरह से, तो इनके पास पैसा भी था और ताकत भी था, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था पूरे वर्ल्ड ओवर में, और साथ ही साथ पे इंडिया का भी इसका रेपरकशन बहुत बुरी तरह से पड़ा था, तो इनका जो इनकम था, इनकम सोर्स था, वो बहुत ज्यादा कम हो गया। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब लो फील कर रहे थे, क्योंकि इनका जो इनकम था, इनकम सोर्स था, वो डिक्लाइन होते जा रहा था दिन पर दिन। तो ये क्या करने लगे कि जब इनिशियली जब फर्स्ट टाइम फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किए थे ये जो रिच पीजन्स थे, ठीक है। बट जो सेकंड, जब दोबारा से गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। स्वराज मीन्ट अ फाइट अगेंस्ट राइजिंग रेवेन्यू, और इनका मेन एम क्या था कि जो राइजिंग रेवेन्यू था उसको किसी तरह से कम किया जाए, रेवेन्यू रेट्स को कम किया जाए फॉर द हेल्दियर पीजेंट्स। दिस फ्यूल्ड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट व्हिच रिफ्यूज्ड टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड्स, और गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स जो थे वो इनको मंजूरी नहीं था रेवेन्यू रेट्स को कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रिच पीजेंट्स कम्युनिटी। व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द मूवमेंट द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी रिएक्टेड नेगेटिवली, ठीक है, जब उन्होंने रिलॉन्च किया था, ठीक है। द रिच पीजेंट्स कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फाइट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द मूवमेंट। एज अ रिजल्ट व्हेन द मूवमेंट वॉज रिलॉन्च द वेल्दी पीजेंट्स रिफ्यूज टू टेक पार्ट। जैसे मैंने बताया, जब दोबारा से, क्योंकि पहले बार जब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इन दिस फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें उनका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उनका जो रेवेन्यू रेट्स था वो कम हुआ नहीं, तो उनके अगर फायदा नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली जो सेकंड बार में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक
ठीक है। फिर अब जान लेते हैं पुअर पीजेंट्स कम्युनिटी का। तो जो गरीब फार्मर्स थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास कोई ताकत नहीं थी, उनकी तो हालत पहले से ही बुरी थी, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद में और ज्यादा बुरी हो जाती है। पुअर पीजेंट डिसाइड, और इनका मेन एम क्या होता है कि रिडक्शन इन रेवेन्यू डिमांड्स, फिर जो वो टेनेंट जो जो वो रेंट देते थे, क्योंकि वो कहाँ पे काम करते थे, तो लैंडलॉर्ड्स के खेत में वो काम करते थे एज ए टेनेंट्स, तो वो उनको रेंट प्रोवाइड करते थे हर महीना। तो रेंट क्या था, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन उस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो उनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया था, तो वो हर महीना जो रेंट था लैंडलॉर्ड्स को वो नहीं दे पा रहे थे। फिर रेवेन्यू डिमांड जो था वो भी उनका कम करने का डिमांड था, ठीक है। एज वेल एज रेमिटेंसेस ऑफ अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स एंड रिच पीजेंट्स, तो ये भी इन दोनों ये इनका मेन मकसद था, मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हर सोसाइटी के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। द पुअर पीजेंट्स डिमांडेड वर नॉट वॉइस्ड फॉर द फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग द रिच पीजेंट्स, ठीक है। तो कांग्रेस जो था वो बहुत ज्यादा ही पोलराइज्ड था, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस में जो थे मोस्टली हिंदू थे, और जो अपर कास्ट के जो हिंदू थे, जो पढ़े लिखे, जिनके पास पैसा था, जिनके जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से थे, वो ज्यादातर कांग्रेस में थे। कुछ एक्सेप्शन थे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो मेंबर्स थे कांग्रेस में वैसे थे। तो वो जो गरीब लोग थे, जो पुअर पीजेंट थे, वो उनको सपोर्ट नहीं करते थे। क्यों? अगर पुअर पीजेंट को अगर सपोर्ट करेंगे तो जो रिच पीजेंट्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस होता था, पैसा कहाँ से आता था? वो आता था जो रिच पीजेंट होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, हम लोग पढ़ेंगे जी डी बिरला, ठाकुर दास, इनके बारे में, ये सब पैसा देते थे, तब जाके कांग्रेस चलता था, क्योंकि कांग्रेस को फंड तो कोई नहीं करता था ना एज सच। यही सब जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा था वही फंड करते थे और फिर कांग्रेस चलता था। तो इसीलिए ताकि जो रिच पीजेंट है या इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बुरा ना मान जाए, इसीलिए कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स का साथ नहीं दिया था। तो ये बहुत कड़वा सच है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था पुअर पीजेंट का कम्युनिटी। अब बिजनेस क्लास कम्युनिटी किस तरह से देखती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो अलग अलग पार्ट्स में कर दिया कि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। और बहुत लोगों की ये क्वेश्चन रहते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ जो है मेरे ख्याल से वो सही ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप मेरी वीडियोस को ही देखेंगे एक दो बार तो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि पीडीएफ से क्या होगा, आप लोग पीडीएफ ले लेंगे और पीडीएफ एज सच फोल्डर्स में पड़े रहेंगे, आप लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अब जो वीडियो है आप अगर उसको देखेंगे तो आपको या समझने में भी और लॉन्ग टर्म समझने में हेल्प करेगा, रिमेम्बर करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं पीडीएफ जो है वो शेयर नहीं करता हूँ। आप जो वीडियो है उसको ही कम्प्लीटली देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। अब क्योंकि इंटरनेट का ऐसा इशू तो नहीं है इंडिया में, इंटरनेट का जो रेट है वो कम है, तो आप एक दो बार देख लेंगे, या फिर इस वीडियो को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, मतलब मेरे लिए देना। फिर बिजनेस क्लास कम्युनिटी, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं मोस्टली ये तो सब एनसीईआरटी बुक से ही मैंने उठाई है, बाहर से तो नहीं उठाई, ये सब एनसीईआरटी बुक में ही दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे और मेरे वीडियोस को देखेंगे तो एनफ होगा, इजीली हो जाएगा। बिजनेस क्लास कम्युनिटी, पीपल फ्रॉम द बिजनेस क्लास वांटेड टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशन इन इंडियन अब्रॉड। क्यों? तो जब 1920s के टाइम था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जब बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था, तब जो इंडियन बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे। क्यों? क्योंकि सब इंडियंस क्या इंडियन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, तो उस समय बिजनेसमैन की कमाई बहुत हो गई थी। और जिनके पास पैसा होगा वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, अलग अलग देशों में फैलाएं, तो ये भी एक्सपैंड करने चाहते थे अब्रॉड में। लेकिन जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी वो नहीं चाहते थे कि इंडियन बिजनेसमैन की जो ऑपरेशंस मतलब बिजनेस है वो बाहर जाके एक्सपैंड करें, ठीक है। तो वो ब्रिटिशर्स रोक रहे थे बिजनेस क्लास को कि आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसीलिए बिजनेस क्लास भी बहुत ज्यादा नाखुश थे। हावर द कंपनीज कंट्रोल ओवर द इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैम्पर्ड देयर ग्रोथ।
ठीक है, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नाखुश थे। इंडस्ट्रियलाइज इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि जी डी बिरला, जमनलाल बजाज, ठाकुर दास, फिर उस टाटा, ये सब बड़े बड़े कंपनीज थे उस समय। मतलब आज बड़े बड़े कंपनीज है, लेकिन उस समय रिचेस्ट बिजनेस क्लास हुआ करते थे इंडिया में, और आज भी ये है। तो ये सब जो थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया, सोचा कि इंडियन जो बिजनेस क्लास है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसी लिए इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज भी ये जो इंडियन कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट एंड ऑपरेशनलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फिक्की। ये दोनों इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। टू अपोज द कॉलोनियल पॉलिसी, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस इंडियन बिजनेसमैन ने क्रिएट करे ताकि जो कॉलोनियल पॉलिसीज है, कॉलोनियल जो ट्रेड पॉलिसीज है, उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, उसको अपोज किया जा सके। द बिजनेस एलाइट सॉ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट एज अ वॉटरशेड मूवमेंट इन विच देयर ट्रेड मोनोपोली वुड बी चैलेंज्ड, ठीक है। तो ये इनके लिए अच्छा मौका था कि सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को हेल्प, मतलब उसको प्रोमोट किया जाए, उसको हेल्प किया जाए। व्हेन द मूवमेंट वॉज हॉल्टेड दे बिकेम कंसर्न अबाउट द मिलिट्री एक्टिविटीज। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट सिविल डिसोबिडियंस के बाद में क्या हुआ, वायलेंट एक्टिविटीज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इनके जो ट्रेड थे, इनके जो बिजनेसेस थे, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहे थे, बहुत जगह आग लगाई दी जा रही थी, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया था, तो इनका जो ट्रेड था वो बिल्कुल ठप पड़ गया था, ठीक है। तो फियरिंग द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वुड बी टाइटेंड एंड देयर बिजनेसेस वुड सफर अ सिग्निफिकेंट लॉस, तो उनको बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ था। तो इसके कारण क्या हुआ, जब सेकेंड फेज, जब गांधी जी ने सेकेंड लॉन्च किया था सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, तो ये ज्यादातर जो बिजनेसमैन है वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट को, इसीलिए सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो लास्ट में आकर जो सेकेंड फेज है वो सबको ही हट जाता है, अपने हाथ खींच लेता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बिजनेस क्लास कम्युनिटी का व्यू पॉइंट था। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का भी व्यू पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे वो कहीं पे भी प्रोटेस्ट नहीं करते, कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करते सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, एक्सेप्ट नागपुर वाले रीजन में। और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की डिमांड क्या थी, कि उनकी जो सैलरीज थी वो बहुत ज्यादा कम मिलती थी, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन नहीं मिलता था, उनको 16 16 18 घंटा काम लगातार काम करने को दिया जाता था, बहुत हैजर्डस काम होता था उनका, ठीक है। तो और पैसा भी कम दिया जाता था, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी कि उनकी जो वेजेस है उनको बढ़ाया जाए, उनका वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, तो ये उनकी डिमांड थी। लेकिन इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी, तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास पीपल डिड नॉट एनरोल इन ह्यूज नंबर, इसीलिए बहुत वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में, एज दे वर अफ्रेड दैट कांग्रेस पार्टी डिड नॉट इनकॉर्पोरेट देयर डिमांड्स सच एज पुअर सैलरीज एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। तो गांधी जी का जो 11 डिमांड्स था उसमें ये डिमांड इंक्लूड नहीं किया गया था, तो जो भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थे वो खुश नहीं थे बाय द कांग्रेस एंड द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, इसीलिए उनका जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल था, एक्सेप्ट नागपुर रीजन, नागपुर नासिक वाले रीजन में ये लोग पार्टिसिपेट किए थे कुछ हद तक। फिर अब वेमेन का जान लेते हैं, वेमेन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेमेन ज्वाइंड द कैंपेन बिकॉज दे सॉ इट एज देयर होली ड्यूटी टू द नेशन, ठीक है। तो वेमेन भी पार्टिसिपेट करती है कुछ हद तक, लेकिन हम जानेंगे कि जो भी वेमेन्स पार्टिसिपेट करती है वो अपर कास्ट हाउस होल्ड की फीमेल्स थी, और जिनके पास रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, ठीक है, वही पार्टिसिपेट करती थी। तो मेनी वेमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च, मैंने बताया था, और गांधी जी से बहुत लोग प्रभावित थे। तो वेमेन फ्रॉम द वेल्दी पीजेंट एंड द अपर कास्ट हाउस होल्ड, जिनके पास पैसा था, धन दौलत था, ताकत था, वही वेमेन्स, उनके घर के वेमेन्स पार्टिसिपेट की थी। जो गरीब थे वो ऑब्वियसली उनको तो नेग्लेक्टेड था, तो उनको तो
वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू ही नहीं थी, उनके घर में ही कोई वैल्यू नहीं, इज्जत नहीं है, तो ऑब्वियसली सोसाइटी में या उनका वीमेन का, वैसे वीमेन्स का पार्टिसिपेशन तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल था। तो सारे ही रिच हाउस होल्ड के वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, दे बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, प्रोटेस्टेड एंड पिकेटेड लिकर स्टोर्स। तो ये इन टाइप ऑफ ये सब कामों में वो पार्टिसिपेट करती थी। द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट एनकरेज द वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो वुमेन्स पार्टिसिपेशन वो एनकरेज नहीं करती थी, सिंस दे बिलीव, कांग्रेस के जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स थे उनका बिलीव क्या था कि वुमेन आर सपोज टू लुक आफ्टर देयर हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो घर के काम है, जो बच्चे हैं उनको देखभाल करें। तो लोगों का जो कांग्रेस का जो व्यू पॉइंट था कि वुमेन्स को घर में रहना चाहिए, हाउस होल्ड काम में ही, और अपने फैमिली को ही हेल्प करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि वो सिविल डिसोबीडियंस या कोई भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स द वेमेन वर नॉट ऑफर्ड पोजिशंस इन द पार्टी। ठीक है, वो बहुत काम की थी, वेमेन्स भी बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे, जैसे ये सब प्रोटेस्टेड, पिकेटेड लिकर स्टोर्स, फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना, ये सब किए थे, लेकिन उनका कोई भी इम्पोर्टेंट पोजिशन नहीं मिला था विद इन द कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये कांग्रेस का वन ऑफ द अगर गलतियां या लूप होल्स कहा जाए तो ये भी इनका था। ठीक है, अब हम लोग जान लेंगे लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द अनटचेबल्स, अनटचेबल जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है, अछूत, जो लोअर कास्ट हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, अछूत, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था, या शूद्र से भी जो लोअर कास्ट वाले पीपल थे, और आज के टाइम पे भी ये अनटचेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबॉलिश्ड है टच अनटचेबिलिटी। जो भी प्रैक्टिस करता है उनके लिए सख्त सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्रिमिनल ऑफेंस है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना, लेकिन आज भी इंडिया में आपको बहुत सारे न्यूज में ऐसे खबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो द अनटचेबल्स वेर अ सेक्टर ऑफ सोसाइटी दैट वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बाय द अपर कास्ट पीपल्स, और ये हिंदू धर्म में सिर्फ नहीं था, बाकी धर्मों में भी ऐसा था, लेकिन ब्रिटिशर्स क्योंकि कास्ट सिस्टम में उतना बिलीव नहीं करते थे, तो ब्रिटिशर्स के कंटेक्स्ट में लगभग सब बराबर ही थे, ऑल इंडियंस वर लगभग बराबर थे। तो अनटचेबल्स को गांधी जी ने क्या कहा है, उनको कहा है हरिजन। हरिजन मतलब, हरि मतलब होता है गॉड, और जन मीन्स पीपल, तो गॉड्स पीपल कहा गया है हरिजन, जो अनटचेबल्स, जो डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग हैं। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड डिमांड्स बाय द कांग्रेस पार्टी वाज नॉट डीम्ड हेल्पफुल बिकॉज इट वुड हैव इरिटेटेड द अपर कास्ट मेंबर्स। तो जिस तरह से पुअर पेजेंट्स के साथ में बर्ताव किया जाता था, सेम उसी तरह से अनटचेबल्स के लिए भी कहा जाता था। ठीक है, तो अगर इनका बात अगर कांग्रेस करती तो जो अपर क्लास के जो मेंबर्स थे कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते थे और बहुत ज्यादा उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी में बिलीव करते थे। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस ने इनका कभी साथ नहीं दिया अनटचेबल्स का, लेकिन गांधी जी ने, इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था गांधी जी का अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए, साथ ही साथ में बी आर अम्बेडकर जैसे महान इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा काम किए थे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, तो बट गांधी जी सॉ एवरीवन एज इक्वल, गांधी जी सबको इक्वल देखते थे, एंड स्टेटेड दैट एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज सिग्निफिकेंट एंड दैट एवरी वर्क डन कंट्रीब्यूट्स टू द लार्जर गुड ऑफ द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो हर काम जो है वो इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, इसका मतलब यही होता, गांधी जी ने बताया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो इनको काम क्या मिलता था, जितने भी अनटचेबल्स थे, जो वो जो गंदे वाले काम होते थे, जैसे कि कचरा साफ करना, या फिर झाड़ू लगाना, या फिर जैसे आज के टाइम में होता है जैसे वो ड्रेन जो साफ करते हैं, या गटर जो साफ करते हैं, या फिर जो मोची होते हैं, वो सब जो लोअर कास्ट वाले पीपल थे उनको ये सब, उस समय क्या कहा जाता था, भंगी, भंगी एक टर्म था। ठीक है, जो लोअर कास्ट वाले पीपल थे, जो अनटचेबल जिनको कंसिडर किया जाता था, तो गांधी जी ने इनको सपोर्ट करने के लिए क्या, खुद
इनका जो काम होता था, जैसे कि बाथरूम, जो लैट्रिन साफ करना होता, तो गांधी जी वो खुद करते थे। झाड़ू लगाना हो गया, ये सब गांधी जी खुद करते थे, ताकि जो बाकी जो लोग जो थे, इंडियन जो थे, वो फॉलो करें और अनटचेबिलिटी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर अनटचेबिलिटी को अगर अबॉलिश नहीं किया जाता है या खत्म नहीं हुआ होता, तो आज बहुत ज्यादा टाइम लग जाता इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने में, और जो डिप्रेस्ड क्लास था, अनटचेबल्स थे, वो और भी बहुत ज्यादा पुअर के पुअर हो जाते हैं। तो बहुत सारा जो डिबेट चलता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये अनटचेबल्स डिप्रेस्ड सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बरसों से ही, सिर्फ 100 साल की बात नहीं, वो लगभग 2000 सालों से उनका, आफ्टर द जो लेटर वैदिक पीरियड है, उनका जो जो क्या बोलते हैं, उनका जो उत्पीड़न है, वो शुरू से ही चलते आ रहा है। आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड से अनटचेबल्स, इंडिया में अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस की जा रही थी। ठीक है, तो ही डिजायर्ड इक्वल इन्वॉल्वमेंट। गांधी जी ये कहते थे, इन द मूवमेंट ऑफ द दलित्स एज दे बिकम नो, और दलित जिनको कहा जाता था, दलित या डिप्रेस्ड क्लास, द दलित्स ऑन द अदर हैंड डिजायर्ड अ पॉलिटिकल एडवांटेज बाय बीइंग एबल टू वोट सेपरेटली इन द इलेक्टोरेट। लेकिन दलित का डिमांड क्या था, कि उनको चाहिए था कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, कि उनके जो क्षेत्र में जो लोग हैं, जितने भी दलित हैं, वो सिर्फ दलित जो खड़ा होगा इलेक्शन में, उसी को ही वोट देगा, या उसको ही वोट देगा, सिर्फ दलित ही उसको वोट देगा। ठीक है, तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि सेपरेट इलेक्टोरेट किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते थे, तो वो चाहते थे कि इंडिया को किसी तरह से, मतलब, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया जाए। तो इसीलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो दलित की बात थी, वो उससे मान जाते। और इसमें मेन रोल कौन निभाया था फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, वो थे बी आर अम्बेडकर जी, विच वुड सेलेक्ट सोलेली दलित मेंबर्स फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, दलित मेंबर्स ही सेलेक्ट किए जाएंगे बाय द दलित कम्युनिटी। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी। तो ऑब्वियसली कांग्रेस और जो अपर कास्ट मेंबर्स थे, वो बहुत ज्यादा नाखुश थे इससे। दे होप्ड दैट द पॉलिटिकल स्टेटस वुड गिव देम एडवांटेज इन द लॉ मेकिंग एंड गिव देम अ से इन द डिसीजन मेकिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना दलित या ऑप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके नेता अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लॉ मेकिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्वियसली इनकी बात करेंगे, इनकी बात होगी, तो इनकी जो वैल्यू है इन द सोसाइटी, वो भी इंक्रीज होगी। तो इनके लिए, इनके रेस्पेक्ट में तो ये बात बहुत अच्छी थी, लेकिन एज अगर होल कंट्री की यूनिटी को देखा जाए, तो ये सही नहीं था स्टेप सेपरेट इलेक्टोरेट का। इससे क्या होता है, इंडिया जो है वो और ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो जाता, और ज्यादा वो इंडिया क्या होता है, डिवाइड होने लगता, जो कि ब्रिटिशर्स का अल्टीमेट गोल यही था। फिर पूना पैक्ट साइन होता है, बिटवीन किन के बीच में, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है इन द सेप्टेम्बर 1932, अकॉर्डिंग टू विच दलित वुड बी गिवन रिजर्व सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आ गया, कि दलित, जो पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग दलित को रिजर्व सीट्स मिलेंगे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस तरह से आज सीट्स रिजर्व है SC ST के लिए, या फिर वेमेन्स के लिए, या OBC के लिए, उसी तरह से उस समय ये कहा गया था कि कुछ सीट जो है वो रिजर्व होगी फॉर द दलित। ठीक है, इससे क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर जी भी मान जाते हैं, और साथ ही साथ में कांग्रेस और गांधी जी भी इससे एग्री हो जाते हैं पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पूना पैक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ब्रीफली, तो आप कर सकते हैं। फिर आप समझ लेते हैं मुस्लिम्स, लिमिट्स क्या कहते थे उसमें हम लोग जानेंगे, कि जो मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो थे, वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट के बाद में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उनका अल्टीमेटली गोल क्या था, कि खलीफा जो था, उनका जो स्पिरिचुअल हेड था, उनका पावर मेंटेन रहे। तो आफ्टर ऑटोमन एम्पायर का ब्रेक हो जाने के बाद, तो खलीफा का जो पोजीशन था, वो धीरे धीरे करके बहुत कम कर दिया गया, और उसका पावर जीरो कर दिया गया। ठीक है, तो उसका जो पावर था, स्पिरिचुअल हेड, खलीफा का जो पावर था, वो बिल्कुल ही कम कर दिया गया।
तो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बहुत ज्यादा नाखुश थे। इसीलिए जितना भी सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च, ये सब मूवमेंट होते, उसमें मुस्लिम जो है वो पार्टिसिपेट बिल्कुल ही नहीं करते। अगर वो पार्टिसिपेट किए होते तो शायद इंडिया को और भी जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं, कुछ मुस्लिम्स थे विद इन द कांग्रेस, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन कुछ जैसे मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, और भी जो जो पंजाब और स्पेशली बांग्लादेश वाला जो रीजन है, वेस्ट ईस्ट बंगाल वाला जो रीजन है, वहां से पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं हुआ था। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी वेयर मोर ड्रॉन टुवर्ड द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज द हिंदू महासभा। और क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस में था, मैं पहले बताया कि जो अपर कास्ट हिंदू, जो ब्राह्मिन्स थे, वो मेंबर्स ज्यादा थे कांग्रेस में, ठीक है? तो वो बहुत ज्यादा जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे हिंदू महासभा क्या, जो कह सकते हैं कि राइट विंग एक ग्रुप था, मतलब ये बहुत ज्यादा, अगर आसान भाषा में बता दो तो कट्टर हिंदू वाले सोच थी, इनकी आइडियोलॉजी थे, हिंदुत्व को ज्यादा प्रमोट करते थे, ठीक है? तो कांग्रेस मेंबर्स जो थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हिंदू महासभा से। तो हिंदू महासभा में ऐसे बहुत सारे लीडर्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि मदन मोहन मालवीय, जो IIT BHU या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन अब हिंदू महासभा क्यों क्रिएट हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक रहता है। क्यों? क्योंकि तो मुस्लिम लीग जो है वो स्टार्ट हो गया था, मुस्लिम लीग तो बहुत पहले फॉर्म हो गया था ना, और हिंदू महासभा जो है वो बहुत लेट फॉर्म हुआ था। तो क्योंकि मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था, तो हिंदू जो अपर कास्ट हिंदूज थे वो भी सोचे कि हम भी एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम लोग क्या थे, वो थोड़े एकदम कट्टरवादी मुस्लिम्स थे, और हिंदू महासभा क्या थे, वो कट्टरवादी हिंदूज थे। तो ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करते थे, और बहुत ज्यादा इस पर रैडिकल लीडर्स या मेंबर्स प्रेजेंट थे। तो इन दोनों में कभी चलती नहीं थी। और क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस जो था वो हिंदू महासभा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो क्या हो जाता है, बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस है, और जो मुस्लिम लीग है, इन दोनों के बीच में दरार पड़ जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ते ही जाती है, और ज्यादा वो दूर चले जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी डिमांड कुछ हद तक सही भी था, और कांग्रेस का भी कुछ हद तक सही था, ठीक है? तो मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी अटेम्प्टेड टू रिकनसाइल देयर डिफरेंस। तो ये चाहते थे कि ये दोनों मिलकर काम करें, एक एक साथ होकर काम करें। बट ऑल दोस होप हाउवर वाज डैश्ड व्हेन M.R. जयकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऑफ द हिंदू हिंदू महासभा ओपनली अपोज द रीयूनियन ऑफ द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी कि ताकि जो कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो उसको रीयूनाइट कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि M.R. जयकर जो हिंदू महासभा के जो लीडर थे वो ओपनली अपोज कर देते हैं कि रीयूनियन नहीं होना चाहिए। एंड मुस्लिम्स फियर्ड, तो मुस्लिम्स को ऑलरेडी एक फियर था कि क्योंकि वो माइनॉरिटी है, उनकी परसेंटेज, उनकी पॉपुलेशन कम है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसीलिए वो सोच रहे थे कि अगर हम आजाद हो भी जाते हैं तो हमें डोमिनेट करेगा, बाय द हिंदूज जो है वो हमें डोमिनेट करेंगे। तो इससे बहुत ज्यादा मुस्लिम जो है वो एलिनिएटेड फील कर रहे थे, ठीक है? तो उनकी जो सोच थी कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी था, ठीक है? तो मुस्लिम्स फियर दैट दे बिकॉज वेर माइनॉरिटीज देयर रिलीजन वुड ड्विंडल अंडर द हिंदू डोमिनेंस, ठीक है? तो उनको लगने लगा कि हिंदू डोमिनेंस के अंडर में उनका रिलीजन जो है वो खतरे में पड़ सकता है, एंड देयर इंटरेस्ट वुड बी ओवरलुक, और धीरे धीरे क्या होगा, इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो मुस्लिम लीग इसीलिए वो अलग होना चाहते थे और अलग देश का डिमांड कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, उनकी जो विजन था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग विजन नहीं था, वो बहुत शॉर्ट साइटेड विजन था, इसीलिए वो अपना अलग कंट्री तो बना लेते, जैसे पाकिस्तान कंट्री, लेकिन उसको चलाना कैसे उनको कुछ पता ही नहीं था। तो इवेंचुअली क्या होता है, पाकिस्तान भी डिवाइड हो जाता है इंटू बांग्लादेश, ठीक है? तो इसीलिए उनकी सोच सही नहीं थी, इसीलिए। और अगर आज वो इंडिया का पार्ट होते,
और अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इकट्ठा होता तो आज जो प्रॉब्लम्स है वो, जैसे कश्मीर इशू, ये सब इश्यूज जो है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं होता, और इंडिया आज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज होता। आज भी है इंडिया, लेकिन और ज्यादा पावरफुल हो जाता, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स ने हमेशा से ही हर जगह जहां भी जाते थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते थे। सिमिलर केस आप देख लीजिए, जैसे कि इसराइल और पैलेस्टीन में भी, वहां पर भी इसराइली यहूदी लोगों और मुस्लिम लोगों के बीच में वो डिफरेंसेस लाकर वो ब्रिटिशर्स भाग गए। तो वो उनका शुरू से, यूरोपियंस पावर्स का शुरू से ही ये मतलब मोटिव था कि अगर हम रूल नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी रूल नहीं करने देंगे, शांति से जीने नहीं देंगे। तो वो एक कहावत है ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वही कहावत चलता था बाय द ब्रिटिशर्स, और जो मेजोरिटी जो यूरोपियंस थे उनकी यही सोच थी, चाहे वो जर्मन हो, चाहे हिटलर हो या मुसोलिनी हो, सबका यही सोच था। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आ जाते हैं चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो नेशनलिज्म किस तरह से आया, बिलोंगिंगनेस, हम लोग एक नेशन के तरह कैसे सोचने लगे, नेशन स्टेट के तरफ में। तो ये हम लोग ने यूरोपियन नेशनलिज्म में पढ़ा था, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक कंट्री को हम लोग एक फीमेल फिगर के साथ में अलाइन करके देखते हैं, ठीक है। एलिगोरी जिसको कहते हैं, वो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, इसमें भी कुछ हद तक सिमिलर ही है। तो अपोजिंग कॉलोनियल रूल रिक्वायर्ड अ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, ईच विद देयर ओन रीजंस, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ यूनिफाइड नेशंस अरोज इन द माइंड्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स एंड ग्रेजुअली टुक रूट्स इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। तो ये जो ग्रेट लीडर्स कौन कौन थे, जो इंडियन रेनेसेंस को कहा जाता है, तो ये जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बहुत ग्रेट लीडर्स है, अरबिंदो घोष, सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। और सबसे पहले जो नेशनलिज्म का जो बीच जो पड़ा वो इन लीडर्स में पड़ा, फिर धीरे धीरे करके सारे पीपल्स में ये फैलता गया, फिर जाके हम लोग इकट्ठा लड़ने की कोशिश किए थे। ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंट था, अलग अलग पर्सन्स के, अलग अलग सोसाइटीज के अलग अलग नोशंस थे, उनका इंडिपेंडेंस का, उनका फ्रीडम का नोशंस अलग अलग था, ठीक है। इंडिया लाइक मेनी अदर कंट्रीज केम टू बी प्रेजेंटेड एज एन इमेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिस तरह से फ्रांस में था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उस तरह से हम लोग भारत में था कहते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज द फर्स्ट ब्रिंगर, ठीक है, ये पहले पर्सन थे जो बनाते हैं भारत माता की तस्वीर, जिससे हम लोग इंडियंस एसोसिएट करते हैं, और साथ ही साथ में वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए नेशनल सॉन्ग और नेशनल डिफरेंस में, मतलब नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस क्या होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा नेशनल एंथम और जन गण मन है, लेकिन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो वंदे मातरम वॉज रिटन इन द 1817 बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द सॉन्ग वॉज पॉपुलर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1906 में, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। वंदे मातरम का क्या है कि सल्यूट टू द मदरलैंड, ठीक है, माँ को सलाम, वंदे मातरम का हिंदी में इसे यही कहेंगे। एंड फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। अबिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, दैट पोर्ट्रेट काम, डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अबिंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग क्या थी, ये फोटो थी, तो काम, स्पिरिचुअलिटी, तो ये फोटो डिपिक्ट करता है। तो बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि अबिंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग थी और भारत माता, वो क्या डिपिक्ट करता है, तो वो काम, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो ये प्रमोट करते थे अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत जो अदर अदर आर्टिस्ट जो थे अलग अलग इंडियाज में, वो लोग भी पेंटिंग्स बनाने लग गए भारत माता की। तो जो पेंटिंग्स बनने लगे, जो आर्टिस्ट बना रहे थे, वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे थे, उसमें हिंदू देवी देवताओं की फोटोज या पेंटिंग्स बना रहे थे। तो उससे क्या हुआ, जो मुस्लिम्स जो थे या अदर रिलीजन के जो लोग थे, वो और ज्यादा एलिनेटेड फील करने लग गए थे, ठीक है। फिर कलेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग ओल्ड स्टोरीज एंड सॉन्ग्स वाज सीन एज अ वे टू कनेक्ट विद अ कल्चर, विद कंट्रीज कल्चर, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ वननेस, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल
नेशनलिज्म, ठीक है। तो जिस तरह से यूरोप में आया था, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे जा रहे थे, बहुत जो मार्टियर्स थे उनको रेस्पेक्ट मिल रहा था, उसी तरह से इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर अमास्ट ए कलेक्शन ऑफ बैलाड्स, पोएम्स एंड मिथ्स। तो बैलाड्स का मतलब क्या होता है? तो बैलाड्स होता है कि एक कहानी जिसको हम लोग पोएम के फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैलाड। तो एक स्टोरी को हम लोग अगर कहानी मतलब एक कहानी को हम लोग पोएम के फॉर्म में लिखे, उसको हम लोग बलाड करते हैं। पोएम हो गया, मिथ्स हो गया। फिर साउथ इंडिया में क्या चल रहा था? द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया बाई नाटेसा शास्त्री इन 4 वॉल्यूम्स कंपाइलेशन ऑफ तमिल फोक स्टोरीज, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में चल रहा था। तो अलग अलग जगह में अलग अलग आर्टिस्ट जो थे, ऑथर्स जो थे, वो लिख रहे थे, पेंटिंग बना रहे थे, गाना कंपोज कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? कल्चरल वन्य जो इंडिया की जो कल्चर, वो उसको प्रमोट किया जा रहा था, और ताकि हर जो कॉमन पीपल है वो इकट्ठा हो सके, क्योंकि जो उस समय कॉमन पीपल थे, कॉमन इंडियंस जो थे, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन सब गानों से, कविताओं से वो बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म इसी को कहते हैं। सिंबल्स एंड आइकॉन्स वर ऑल्सो यूज टू ब्रिंग पीपल टूगेदर, ठीक है। जैसे कि तिरंगा हमारा, ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइन इन बंगाल, जो स्वदेशी मूवमेंट में यूज किया जाता था। इट वॉज डेकोरेटेड विद 8 लोटसेस एंड क्रिसेंट मून्स, ठीक है। जो तिरंगा था उसमें 8 लोटसेस था, और 8 लोटसेस क्या रिप्रेजेंट करते थे? 8 प्रोविंसेस अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ द अंडर द ब्रिटिश रूल, जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, उसी तरह से 8 प्रेसिडेंसीज थी। व्हाइल द मून रिप्रेजेंटेड द हिंदूज एंड मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। तो ये सबसे वाला पहला वाला जो तिरंगा था। फिर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में तिरंगा इन्वेंट करते हैं, जिसमें था रेड व्हाइट एंड ग्रीन। तो येलो कलर को हटा दिया गया और व्हाइट कलर ऐड किया गया, विद स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर ऑफ नाइन इन द 1920, और एक चरखा भी ऐड किया गया तिरंगा में। द व्हील सिंबलाइजेस इट्स रिलायंस ऑन इटसेल्फ फॉर प्रोग्रेस एंड वेल्थ, ठीक है। वो प्रोग्रेस एंड वेल्थ को प्रोमोट, ये भी बहुत बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है। तो व्हील जो जो चरखा था, वो सिंबलाइजेस इट्स रिलायंस ऑन इटसेल्फ, मतलब आत्मनिर्भरता, ठीक है, फॉर प्रोग्रेस एंड वेल्थ। फिर हिस्ट्री जो थी, हमारे जो हिस्ट्री थे वो कौन था? ब्रिटिशर्स मेनली बता रहे थे कि इंडियंस जो थे वो बहुत ज्यादा डरपोक इंसान थे, वो बहुत ज्यादा पुअर कंट्री थी। तो हिस्ट्री को क्या किया गया? रीडिफाइन किया गया। हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री थी उसको हम लोग ने फिर से दोबारा लिखे, और लोगों को बताया गया कि ये हमारी रिच कल्चरल हिस्ट्री थी एंशियंट, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई, अशोका का पीरियड, मौर्या का पीरियड, गुप्त पीरियड, हर्षवर्धन पीरियड, सब कुछ के बारे में बताया गया, जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज था। क्योंकि आफ्टर जो जब मुस्लिम अटैक हो जाता है, जब मुस्लिम इन्वेशन आने लगता है मोहम्मद बिन कासिम का, तब से क्या हुआ? इंडिया एक गुलाम बन जाता है, ठीक है, हिंदुस्तान एक गुलाम कंट्री बन जाता है। तो हमारा जो रिच हेरिटेज है वो क्या था? एंशियंट हिस्ट्री था। तो रीडिफाइनिंग हिस्ट्री वॉज टेकिंग प्राइड इन इट्स रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड बिकेम एसोसिएटेड विद नेशनलिज्म। पीपल प्रपोज दैट इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ ब्रेव एंड ग्रेट रूलर्स प्रायर टू कॉलोनियलिज्म। तो बहुत इंडिया में शूरवीर थे, अशोका दी ग्रेट हो गया, समुद्रगुप्त हो गए, ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स थे, रूलर्स थे, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। साथ ही साथ में अंडर द लीडरशिप इंडिया एक्सेल्ड इन साइंटिफिक, साइंटिफिक आपने सुना होगा सुश्रुत के बारे में, जो चरक संहिता लिखते हैं, फिर आई सर्जन होते हैं, आयुर्वेदिक नॉलेज, फिलोसॉफिकल जिसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है, आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड अदर फील्ड्स में इंडिया बहुत ज्यादा रिच था। तो हिस्ट्री को क्या किया जाता है? रीडिफाइन किया जाता है, हिस्ट्री को खोजा जा रहा था और उसको कॉमन मैन के सामने प्रस्तुत किया जाता था, कि इंडिया जो इंडियंस है वो एसोसिएट कर सके अपने हिस्ट्री से, और जो नेशनलिज्म की भावना है वो उनके मन में और बढ़ाया जा सके, और ताकि इंडियन जो है वो फाइट करे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिंगिंग टू पीपल अटेंशन व्हाट कॉलोनाइजेशन हैड डन टू देयर वंडरफुल होमलैंड, जिसको हम लोग कहते थे ना सोने की चिड़िया थी इंडिया,
उसको क्या ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियंस थे या फिर जो मुगल्स थे, जो मुस्लिम इन्वेजन थे, वो लोग ने क्या किया, लूट लूट कर ले गए। तो सोने की जो चिड़िया थी उसको पूरी तरह से कंगाल कर दिया गया। जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो इंडिया के लिए कुछ नहीं बचता, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, भुखमरी, गरीबी, अनपढ़, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जाते हैं। क्रिएटेड एनिमिसिटी एंड द ब्रिटिश कंट्रोल एंड डेवलप्ड इन पीपल्स माइंड अ कलेक्टिव विल टू फाइट फॉर देयर मदरलैंड। और अगर ये सब नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट तो इम्पोर्टेंट था ही था, लेकिन कल्चरल नेशनलिज्म भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, ताकि इससे क्या हो रहा था, इससे बहुत मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो एसोसिएट कर पा रहे थे विद इंडियंस, कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो इससे क्या होता, हम मिलकर काम कर रहे थे ताकि ब्रिटिशर्स को, जो फॉरेन पावर्स थे, उसको भगाया जा सके। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में जो मूवमेंट स्ट्रगल्स में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे कंक्लूड किया जाए इस चैप्टर को, तो द नेशनलिज्म ऑफ इन इंडिया द मूवमेंट एक्सपीरियंस्ड हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनलिस्ट यूनिटी। तो कांग्रेस ने कुछ ऐसे काम किए जिसमें बहुत ज्यादा उनको सक्सेस भी मिला, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह, इन सब में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हासिल हुए थे, लेकिन उसमें बट ऑल्सो फेजेस डिस यूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। कांग्रेस खुद एक मजबूत मजबूत इंस्टीट्यूशन नहीं था, अगर वो खुद एक मजबूत इंस्टीट्यूशन होता तो शायद हमें इंडिपेंडेंस और जल्दी मिल जाता। ठीक है, तो हाई थे लो थे, हमारा जो ग्राफ था इंडिपेंडेंस का वो कभी ऊपर जाता कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे, ऐसे करके जा रहा था। ठीक है, क्रिएटिंग ए नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल्स। तो सबके अलग अलग नोशंस थे, अलग अलग डिमांड्स थे, उनका फ्रीडम का अलग नोशन था। जैसे आज भी अगर हम पूछेंगे कि फ्रीडम का मतलब क्या है, तो हर इंसान के लिए फ्रीडम का मतलब अलग अलग निकलेगा। तो सिमिलरली वैसा ही सिचुएशन उस समय भी था। इवेंचुअली अप्स एंड डाउन्स होते हैं हर किसी के लाइफ में या हर स्ट्रगल में। इवेंचुअली इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिल जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा है या बुरा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बिल्कुल शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फॉलो करना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।